इस वीडियो में आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानोगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और ये फैक्ट सुनकर आप अमेज रह जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लेना, ताकि आप फ्यूचर में ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट बिल्कुल भी मिस ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, आप टाइम देखने के लिए अपनी घड़ी देखते होगे, और कई बार ऐसा होता है कि उस घड़ी का टाइम कुछ दिनों बाद या महीनों बाद थोड़ा बदल जाता है, मतलब इनएक्यूरेट हो जाता है, जैसे 5 मिनट आगे पीछे। लेकिन एक एटॉमिक क्लॉक्स होती है, और आप ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि जो एटॉमिक क्लॉक्स होती है उनकी एक्यूरेसी 1 सेकेंड इन अप टू 100 मिलियन ईयर्स होती है, मतलब 100 मिलियन ईयर्स में उस क्लॉक का टाइम सिर्फ 1 सेकेंड आगे पीछे ही होगा। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 24, आपने कभी ना कभी किसी कॉमन शार्क की फोटो तो देखी होगी, और वो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन क्या आपने मैगलोडॉन का नाम सुना है? तो ये शार्क की एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। तो ये फोटो देखी, ये फोटो एक मॉडर्न डे ग्रेट व्हाइट शार्क और एक मैगलोडॉन का कंपैरिजन दिखाती है, और इसे देखकर आप मैगलोडॉन के साइज को इमेजिन कर ही सकते हो। फैक्ट नंबर 23, एक बार 1986 में एक फ्रेंच वुमेन ने कई महीनों के लिए स्टडी किया, और ये सीखा कि एक हेलीकॉप्टर कैसे चलाते हैं, और उसने ये इसलिए सीखा ताकि वो अपने हस्बैंड को, जो एक जेल में बंद था क्योंकि उस इंसान ने एक बैंक को रॉब किया था, उसको वहाँ से निकाल पाए। मतलब वो औरत हेलीकॉप्टर को प्रिजन के रूफ के ऊपर उड़ाने लगी, और उसका हस्बैंड उस हेलीकॉप्टर पर चढ़कर जेल से भाग गया। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको ये पता है कि कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट के प्रूफ को आगे रखा है, जिसे जानकर आप शॉक्ड रह जाओगे। तो उन्होंने एक नैनो डायमंड बैटरी बनाई है न्यूक्लियर वेस्ट से, और ये बैटरी इतनी लंबी चलती है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो उससे एक मोबाइल फ़ोन 9 साल तक, मतलब 9 ईयर्स तक चार्ज रहेगा। मतलब आपको अपना मोबाइल फ़ोन 9 साल तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं इस बैटरी के साथ। और भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक कार बैटरी की जगह इस बैटरी को लगाया जाए तो वो लगभग 100 साल तक चल जाएगी, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है कि स्क्विरल्स अपनी पूंछ को या टेल को अम्ब्रेला की तरह यूज करते हैं? मतलब आप इस फोटो में देख ही सकते हो कि स्क्विरल्स अपनी टेल का इस्तेमाल करके अपने आप को बारिश या बर्फ से बचाती हैं, या फिर अम्ब्रेला की तरह यूज करती है। फैक्ट नंबर 20, एक मैरलॉन ब्रांडो नाम का अमेरिकन एक्टर था, तो जो भी चेक ये साइन करते थे वो कभी भी क्रैश नहीं हुए। मतलब अगर कोई भी चेक इनवैलिड भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ज़्यादातर जितनी प्राइस चेक की होती थी उससे कई ज़्यादा एक्सपेंसिव उनका सिग्नेचर होता था। मतलब उनके सिग्नेचर का वर्थ चेक पर लिखे प्राइस से ज़्यादातर ज़्यादा ही होता था। फैक्ट नंबर 9, जो WWF है, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका लोगो एक पांडा है, तो क्या आपको वही पता है कि WWF का लोगो पांडा क्यों है? एक रीज़न तो ये है कि WWF के फाउंडर ने एक जाइंट पांडा से इंस्पायर करके ये लोगो बनाया था। लेकिन एक और रीज़न है जो एक बहुत मज़ेदार रीज़न है, और वो ये है कि इस वाइट और ब्लैक लोगो से इंक और प्रिंटिंग कॉस्ट बचती है, और इसी रीज़न से WWF ने एक पांडा को एज अ लोगो चुना था। फैक्ट नंबर 18, एक फ्रूट होता है जेलीबीन शेप का, और उसका नाम होता है मिरेकल बेरी, और जैसे इसके नाम में मिरेकल आता है तो आप समझ ही गए होगे कि ये कोई यूनिक सा फ्रूट है। तो ये फ्रूट किसी भी खट्टे या कड़वे खाने को स्वीट टेस्ट में, मतलब मीठे टेस्ट में बदल देती है, और इसका टेस्ट की जो सेंसेशन होती है वो 2 घंटों तक रहती है। फैक्ट नंबर 17, अगर कभी भी बारिश होती है तो ज़्यादातर बर्ड्स शेल्टर रहने के लिए अपने नेस्ट में चली जाती हैं, लेकिन ईगल ऐसा नहीं करती, और ईगल बारिश के समय शेल्टर नहीं लेती बल्कि बादलों के ऊपर उड़ती है। मतलब बारिश के समय वो अपने आप को गीले होने से बचाने के लिए बादलों के ऊपर चली जाती है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 16, आपने कभी ना कभी किसी लैपटॉप में कोई USB या पेन ड्राइव ज़रूर डाली होगी, तो क्या आपने कभी भी पहले अटैम्प्ट में वो गलत डाली है? क्योंकि 86% लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में एक पेन ड्राइव को सही से नहीं लगा पाते। तो कमेंट कर ज़रूर बताना कि आप कितने ईजिली एक पेन ड्राइव को लैपटॉप में डाल पाते हो। फैक्ट नंबर 15, आपको कभी ना कभी ये किसी ने बोला ही होगा कि वीडियो गेम्स खेलने से एक बच्चे पर या किसी पर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक 10 साल की स्टडी जो 19,000 फैमिलीज पर की गई थी, उसने ये ढूंढा कि वीडियो गेम्स
बच्चों पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती और लॉन्ग टर्म में तो बच्चों के बिहेवियर में कोई भी फर्क नहीं आता। फैक्ट नंबर 14, रेड फॉक्स नाम का एक एक्टर था जिसको सेट पर एक्टिंग करते हुए हार्ट अटैक आ गया, लेकिन और कोई भी दूसरा बंदा जो सेट पर था उसने उन एक्टर की मदद नहीं की। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे उन्हें लगा कि वो हार्ट अटैक भी एक्टिंग का ही एक पार्ट है और इसकी वजह से वो सेट पर ही मर गए थे। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफ़ी कौन सी है? तो उस कॉफ़ी का नाम डेथ विश कॉफ़ी है और उसमें इतना हाई अमाउंट ऑफ कैफीन होता है कि उन लोगों को सजेस्ट नहीं की जाती जो अगले 3 दिन तक जाग नहीं सकते। मतलब हो सकता है कि उस कॉफ़ी के कैफीन से आपको अगले 3 दिन तक नींद ना आए। फैक्ट नंबर 12, जब इंटरनेट नया नया आया था तब एक जॉन टाइटन नाम का आदमी, जो आप इस फोटो में देख सकते हो, तो ये आदमी ये क्लेम करता था कि ये एक टाइम ट्रैवलर है और ये 2036 से आया है, लेकिन जो भी इस आदमी ने प्रिडिक्शंस की थी फ्यूचर के बारे में वो सारी अभी तक सच नहीं हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें सच हुई है और आज तक ये किसी को नहीं पता कि ये कौन है। फैक्ट नंबर 11, ये जो फोटो आप अपने सामने देख रहे हो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक में से एक है और इस रॉक का नाम है मुर्सीसन मीटरॉयड। और एक बार आप इसकी एज गेस करने की कोशिश करिए तो इस रॉक की एज है 4,600,000,000 ईयर्स। मतलब ये रॉक अर्थ के फॉर्मेशन के पहले का हो सकता है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, अगर हमें कुछ भी बोलना होता है तो हमारी टंग और लिप्स मूव करते हैं, लेकिन कई वर्ड्स टंग और लिप्स के मूवमेंट के बिना भी बोला जा सकता है। तो मेरा आपसे ये चैलेंज है कि आप एक ऐसी कंट्री का नाम बताओ जिसको बोलने में आपको ना ही टंग और ना ही लिप्स को मूव करने की ज़रूरत है। तो ऐसी सिर्फ एक ही कंट्री है और वो है हांगकांग। हांगकांग के नाम को प्रोनाउंस करने में किसी की भी मूवमेंट नहीं करनी पड़ती। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि 90% ह्यूमंस अनकंफर्टेबल फील करते हैं अगर टीवी का वॉल्यूम 5 या 2 से डिविजिबल ना हो। मतलब ज़्यादातर लोग अपने टीवी का वॉल्यूम उतना रखते हैं जो 5 या 2 से डिविजिबल हो, जैसे 25, 30, 50, 56, और अगर वो 5 या 2 से डिविजिबल ना हो तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे 83, 17, 29, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया में बहुत ह्यूमंस रहते हैं और सब ह्यूमंस की जो क्रिएटिविटी लेवल होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन आप ये जानकर शॉक्ड रह जाओगे कि एक दिन में क्या टाइम हो रहा है उससे भी क्रिएटिविटी लेवल पर फ़र्क पड़ता है। और हम लोग सबसे ज़्यादा क्रिएटिव रात को होते हैं और सबसे कम क्रिएटिव आफ्टरनून में, मतलब दोपहर में। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉम्ब कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा बॉम्ब है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस ला सकता है? तो वो है हाइड्रोजन बॉम्ब। और जिस तरह सूरज पर आग है वो भी आप मान सकते हो कि बहुत सारे हाइड्रोजन बॉम्ब से है, तो आप सोच ही सकते हो कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब की पावर क्या होती है। फैक्ट नंबर 6, इस फैक्ट को जानकर आप एकदम हैरान रह जाओगे। तो 1978 में पायलट फेडरिक और उनका प्लेन मिस्टीरियसली गायब हो गया था ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने जो लास्ट मैसेज दिया था रेडियो पर वो था कि वापस एक अजीब सा एयरक्राफ्ट मेरे प्लेन के ऊपर उड़ रहा है। और ठीक 2 सेकंड बाद उन्होंने बोला कि ये मेरे प्लेन के ऊपर उड़ तो रहा है लेकिन ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, और उसके बाद वो प्लेन गायब हो गया था और हम वापस उन पायलट से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है उस प्लेन के ऊपर क्या होगा? फैक्ट नंबर 5, आपको ये तो पता ही होगा कि ह्यूमंस एक टाइप के एनिमल्स ही होते हैं, इसलिए सबसे पावरफुल ब्रेन एनिमल्स में ह्यूमंस के पास ही होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि किस जानवर के पास सेकेंड मोस्ट पावरफुल ब्रेन होता है? तो वो है डॉल्फिन। फैक्ट नंबर 4, साइंटिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि 2022 में, मतलब आज से 2 साल बाद, 2 स्टार्स कोलाइड करेंगे और एक ऐसा एक्सप्लोजन होगा जो हमें अर्थ से भी विजिबल होगा नेकेड आईज से, वो भी कुछ दिनों के लिए, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि आप या कोई भी उन लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट होगे जिनकी आंखें बड़ी होती हैं? मतलब बड़ी आंखें वाले दूसरों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया में अब जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ मर रहे हैं, तो पिछले 40 सालों में अर्थ ने अपनी वाइल्ड लाइफ में से 50% खो दिया है। मतलब जो भी सारे एनिमल्स थे 40 ईयर्स पहले, अब उसमें से आधे रह गए। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो पिछले 40 सालों में लगभग ह्यूमन पॉपुलेशन डबल हो गई है।
फैक्ट नंबर वन, अगर कोई भी चीज़ जहाँ मैन्युफैक्चर होती है तो उस पर ये लिखा होता है कि वो कहाँ बनाई गई थी। जैसे अगर कोई चीज़ इंडिया में बनाई गई है तो उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। तो क्या आप ये जानना चाहोगे कि स्पेसएक्स ने जो सर्किट बोर्ड स्पेस में भेजा था उस पर क्या लिखा हुआ था? तो ये देखिए, ये है उसकी फ़ोटो और इस पर लिखा हुआ है मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस, मतलब ये पृथ्वी पर बनाया हुआ है ह्यूमंस के द्वारा, है ना अमेजिंग। तो गाइज यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।